हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तब फिर भी मेरे चैनल में स्वागत है। एज यूजुअल मेरे ऑफिस ऑफ भइसक्यो, सो बहुत दिन से सोच रहा था ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। और लास्ट संडे को बनाया था मैंने ब्लॉग। मैं सोच रहा था कि कोई अच्छे से जगह में जाके ब्लॉग बनाएंगे, तो ये मेरा डेली पॉसिबल नहीं है बाहर निकलना, और ब्रांच का वर्किंग और भी ज़्यादा है। तो आज मैं ऐसे ही यहीं पर नॉर्मल ब्लॉग बनाने के लिए सोच रहा हूँ। तो आइए चले, मैं हूँ कल्याणी में और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू माय व्यूअर्स एंड माय सब्सक्राइबर्स फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। और जिसने भी सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है, प्लीज़ कर दो यार एक सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए, ब्लॉग करने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आइए मेरे साथ। तो ऑफिस से मैं निकल चुका हूँ और यहाँ पर इवनिंग का मार्केट स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे कुछ खास इवेंट हो रहा है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। बहुत दिन से आने के लिए सोच रहा था बट मैनेज नहीं हो पा रहा था, आज फाइनली मौका मिला है। तो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ सेंट्रल पार्क ग्राउंड कल्याणी। यहाँ पे आज MRPL क्रिकेट लीग का फाइनल हो रहा है, मैं आपको दिखा दूँ। ये मेरे पीछे स्टेडियम मीन्स एक ग्राउंड है एक्चुअली, इसी को बनाया गया है क्रिकेट खेलने के लिए। तो आपको दिखाता हूँ मैं। काफ़ी अच्छा शॉट लगा है और स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे कि एक विकेट डाउन हो चुका है, रन आउट हो गया है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा टीम है, जाकर देखते हैं पूछते हैं किसी को। तो ये गाइस फर्स्ट सेमीफाइनल है, और इसमें दो टीम है, वन है हीरा स्पोर्ट्स और SS बॉयज। तो फर्स्ट है हीरा स्पोर्ट का बैटिंग है और चल रहा है, फर्स्ट वन विकेट इज डाउन एंड 10 ओवर का खेला है, तो काफ़ी तेज़ भूख लगा है, देखते हैं क्या मिलता है। देखिए दादा क्यों पे घुगनी और पापड़ भाजा। अच्छा, घुगनी और पापड़ भाजा। प्लेट कत करे? 10 टका। 10 टका एक प्लेट घुगनी दो। जाल दिवे ना। ओके, कैच मी मैच मी क्रिकेट का शायन बजानी। ये पापड़ कत करे? 10। थैंक यू। खे ना। दोस्तों 3 विकेट जा चुका है, 3 विकेट बैक टू बैक। काफ़ी बढ़िया घुगनी है और गर्मा गर्म, तो मौसम भी ठंडा है, तो आई एम इंजॉइंग। जा जा जा, सकाल दिए तो 3 पीटे ऐसा है। बाप रे, ये बहुत ही बड़ा। तो गाइस, मैंने एक पापड़ भी लिया है, इसको भी एंजॉय करेंगे। उसको सही से पकड़ी ले तुम। ये तो दादा अब क्या हमेशा यही रहते? नहीं रहते ना, खिला चला तो नहीं, तो कहाँ रहते? नहीं, हम डेली नहीं लगाते, सब डेट का काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सीजन में जहाँ मेला लगता है वहाँ लगा टाइम पास। बढ़िया,
রোগনিটা ভালো করেছে ভালো হয়েছে থ্যাঙ্ক ইউ স্যার तो घूमने में आ चुका हूँ और भैया को बोलते थैंक यू भैया। तो अभी जाएंगे कुछ सामान लेना है मेरा डेली यूसेज हाउस होल्ड। तो ये देखो भाई यहाँ पे मोमो का स्टॉल लगा हुआ है, कहीं तक भी जाओ मोमो तो मोमो है, बहुत ही फेमस है। लोग आजकल मोमो को मोमोस बोलते हैं और आपको नहीं पता है सिर्फ मोमो है नॉट मोमोस। तो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूं मोर के आगे, तो यहां से मुझे कुछ सामान लेना है। आइए अंदर क्या क्या मिलता है देखेंगे। एक ये लेंगे शैम्पू, तो ये रेजर भी एक लेते हैं। एक सर्फ लेता हूँ। गाइस मेरा शॉपिंग हो गया है, कुछ मैंने फ्रूट्स लिया है और ड्राई फ्रूट्स, कुछ जूस है और डेली यूज़ के लिए सम टूथपेस्ट, सॉप, डिटर्जेंट लिया है। तो एक्चुअली अंदर मैं फुटेज ले रहा था, एक्चुअली अलाउड नहीं था वहाँ पे, तो मैं पूरा नहीं ले पाया। तो दोस्तों मैं बाहर निकल चुका हूँ और शाम का बज चुका है 8, तो अभी जाके घर में खाना बनाने का मूड नहीं है, तो आज बाहर ही खा के जाएंगे। अभी घर में जाके बनाना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, सो बाद में बनाएंगे। अभी देखते हैं क्या मिलेगा यहाँ पे। आज कुछ चाइनीज़ खाने का मन है, तो मैं जाऊंगा पाव मोमोज इसके अंदर। तो आई एम इन फ्रंट ऑफ पाव मोमो। थुप्पा होगा क्या होगा? एक थुप्पा कर दीजिए। और मिल भी सकते हैं सर, मिल में हमारा 25 मोमो आ जाएगा, एक पेप्सी भी आ जाएगा, पूरा मिल हो जाएगा। अच्छे से मुझे एकदम गला पकड़ा हुआ है। तो नॉर्मल दे देंगे रूम टेम्परेचर? हाँ रूम टेम्परेचर पेप्सी दीजिए। पेप्सी दे देंगे, मिल कर देना, मिल कर देना, मिल कर देना। तो इसमें मिल में 3 कॉम्बो आएगा, पेप्सी, पेप्सी मोमो, 25 मोमो आएगा, आपका थुप्पा आएगा, वेज नॉन वेज में ट्राई करवा सकते हैं। गाइस मैंने कॉम्बो मिल ऑर्डर किया है, मोमो, थुप्पा और पेप्सी, ठीक है कॉम्बो आता है। थैंक यू सर। तो तीनों का मिला के हो गया मेरा 299, सो विच इज़ गुड। थुप्पा मीन्स आपको अगर पता नहीं होगा तो थुप्पा सूपी नूडल्स रहता है, नूडल्स ही है, उसमें सूप रहता है और चिकन वेज दोनों रहता है। एज़ पर योर चॉइस चिकन भी ले सकते हो और वेज भी ले सकते हो। तो डिनर करके जाएंगे ताकि घर में जाके आराम से रेस्ट करें, क्योंकि कल फिर ऑफिस है। तो गाइस मेरा मोमो और पेप्सी आ चुका है, थुप्पा जो है आने में टाइम लगेगा, तब तक मैं मोमो लेता हूँ।
मोमो काफ़ी अच्छा है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि दार्जिलिंग कालिम्पोंग जैसा मिलता है, बट इट्स गुड। हेलो, एकल गएर हेर होइन, अब यदि 8 बजिसक्यो बाहिर खाइदिनु। एक्चुअली मैं एक बात बता दूँ, आई एम फ्रॉम कालिम्पोंग, सो वहाँ पे क्या है ना, मोमो का, मोमो इज़ कंसिडर्ड एज ए स्टेपल फूड, तो वहाँ पे हर जगह, हर कहीं पर भी जाओ आपको मोमो मिलता है, तो मुझे पता है मोमो कैसा होता है। ठीक है, टेस्ट वाइज इज़ गुड, बट वहाँ का जैसा नहीं है। तो गाइज, दिस इज़ कॉल्ड थुक्पा, इसमें नूडल्स रहता है और ये रहा सूप और चिकन और कुछ वेजिटेबल्स है। अगर आपको सर्दी लगा हो तो ये बहुत ही फायदेमंद है। तो आज बहुत ही ज़्यादा फ़ोन आ रहा है, मैं ना ब्लॉक में कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ, नहीं तो फूड में, तो कम से कम 2-3 कॉल आ चुका है। थुक्पा काफ़ी अच्छा है कम्पेयर टू मोमो, मोमो भी मैं बुरा नहीं कहूँगा, बट थुक्पा इज ऑसम अप टू द मार्क। ठीक है, अगर आप कहीं कोल्ड प्लेस में जाता है तो थुक्पा ज़रूर आपको खाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, बॉडी में हीट आता है। तो जाइए टेस्ट कीजिए कहीं पे पहाड़ी में बैठ के थुक्पा सूपी नूडल्स। गाइस, मैं बाहर निकल चुका हूँ और आज का ब्लॉग को यहीं पे करेंगे एंड। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर ज़रूर करना। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।